बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बीफ टिक्का कढ़ाई। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है और इसका उसकी छोटी बोटी करवा ली है। मुनासिब साइज़ में आप छोटी बोटी करवा लें। इसके अलावा 1.5 कप दही है, 3 लेमन का जूस चाहिए होगा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आप हसबे जायका डालें, 1.5 खाने का चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा 2-3 खाने के चम्मच हमें कुकिंग ऑयल भी चाहिए होगा। अब इसको बनाते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लें आप। अब इसमें लहसुन पेस्ट डाल दें। इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च डालें, इसमें हरी मिर्च डालें, इसमें हल्दी पाउडर डालें, इसमें नमक डालें, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। दो खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालें, इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। अब आप सारा मसाला इसमें डाल दें, इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। 4 घंटे बाद आप इसको बाहर निकालें और कुछ देर के लिए रखें ताकि इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, फिर इसको हम बनाएंगे। 4 के बजाय मैंने 6 घंटे के लिए इसको रहने दिया था फ्रिज में। अब मैंने 1 घंटा पहले बाहर निकाला है, इसकी ठंडक काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको बनाते हैं। पैन को गर्म करें और इसमें 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालें, इसमें और आप ये इसमें बैटर डाल दें, इसमें पूरा मसाला बर्तन के साथ से भी आप उतार लें। अब आपने इसको कवर करना है और इसको पकने देना है। जब ये उबलने लग पड़े अच्छी तरह से तो फिर आपने मीडियम फ्लेम कर देना है और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है, उसको कवर करके आपने पकाना है। अब ये उबलने लग पड़े तो इसको मैंने कवर करना है और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है और आपने वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 45 मिनट से मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। अब मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ। इसमें अब तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अब इसको भून लेती हूँ। पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं।
कि ये टिक्का गल चुका है या नहीं। देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब इसको भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको भूनना है। मैं पिछले 10 मिनट से दरमियानी आंच पे इस टिक्का को भून रही हूँ। अब ये काफ़ी हद तक भून चुका है, तो आप कोयला को गर्म कर लें अच्छी तरह से। अब कोयला को आप सेंटर में रख दें और अब इस पर थोड़ा सा ऑयल चिपका दें और ढक्कन दे दें, बिल्कुल लो फ्लेम कर लें और 2 मिनट के लिए आप इसको रख दें। 2 मिनट बाद आप चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन हटा दें। इसमें ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई तैयार हो गई, बहुत मज़े की बनी है। ईद स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ईद पर बनाइए, बहुत मज़े के बनेंगे। और इनमें कोई ज़्यादा मसला भी नहीं है, ना आपने लहसुन प्याज छीलने हैं काटने हैं, ना कुछ और ऐसा करना है, बल्कि आप इसमें लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी बनने वाली है। ये है कि आप जितना चाहें इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे ये अच्छी बनेगी, फौरन बनने वाली है। और अगर आपने ज़्यादा जल्दी बनाना है तो फिर आप प्रेशर कुकर में 5 से 6 मिनट का प्रेशर दे दें, क्योंकि हमने टिक्का को ज़्यादा गलाना नहीं होता। ये थोड़ा सा ये गला हुआ है लेकिन थोड़ा सख्त होता है, तो 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से टिक्का बन जाता है प्रेशर कुकर में भी। तो ज़रूर बनाइएगा। अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल नर्म है, लेकिन इसमें एक हार्डनेस है जो कि टिक्के में होती है। तो आप इसको बनाएं, ज़रूर बनाएं, चावल के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का बनता है। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।